मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर रोक लगा दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर थीं। देश भर में इस कानून का विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोग इस कानून के खिलाफ हैं और इस कानून को सरकार से वापस लेने की मांग को लेकर विरोध हो रहे हैं, मगर सरकार का सख्त रवैया देखकर देश भर की उम्मीदें अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही थी। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को इस याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और CAA पर रोक लगा देगी, मगर CAA की दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। CJI की SA बोबाडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में केंद्र को जवाब देने को कहा है। बिना केंद्र को सुने फैसला नहीं कर सकते। साथ ही संकेत दिया है कि इस मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेंगे, मगर वहीं सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने केंद्र की तरफ से बहस करते हुए कहा कि सरकार 143 दलीलों में से केवल 60 की प्रतियां दी गई थीं और इसलिए जवाब देने में काफ़ी समय लगेगा। CJI बोबाडे ने कहा है कि अदालत इस मामले को संविधान पीठ को सौंप सकती है, तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने CAA पर रोक लगाने और NPR प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।